कोरोना महामारी को लेकर पूरे शहर में लॉकडाउन किया गया है, फिर भी लोग सड़कों पर बाहर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों पर सदर ट्रैफिक विभाग की ओर से गिट्टी खदान पुलिस सख्त कार्रवाई कर लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत दे रही है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे की एक स्पेशल रिपोर्ट। पूरे भारतवर्ष में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन जारी है। देश के साथ साथ राज्यों में और राज्यों के साथ साथ शहरों में और शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए सभी जगहों लॉकडाउन किया गया है। शहर के अधिकांश इलाकों में लॉकडाउन होते ही लोग अपने घरों में हैं और कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। ऐसे में कुछ शहर के ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे लोग जो अपने वाहन पर सवार होकर शहर का गश्त करते हुए अपने घर जा रहे हैं, बेरोक टोक होकर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सदर ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा ऐसे हुड़दंगी और दुपहिया वाहन पर बिला वजह इधर से उधर घूमने वाले के ऊपर में कार्रवाई की गई। अब तक के 27 वाहनों पे कार्रवाई की गई और इतना ही नहीं तो कुछ ऐसे लोगों के ऊपर में पुलिस द्वारा लॉकडाउन की बात जो नहीं मान रहे थे ऐसे लोगों को पुलिस ने उठक बैठक करने को कहा। इस बारे में PI खंडा ते इन्होंने बात की। आतापर्यंत साधारण 27 वाहनांवर कार्रवाई करण्यात आलेली आहे आणि जे लोक नेसेसरी बाहेर फिरत आहेत त्यांच्यावर 188 नुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे पोलीस स्टेशनला। हॉटेल नाका येथे सकाळी 9 वाजतापासून तर रात्री 9 वाजतापर्यंत नाकाबंदी राबवत आहोत। त्या नाकाबंदी दरम्यान जे लोक विनाकारण घरून निघतात आणि बाहेर फिरत आहेत त्यांच्यावर चालान कारवाई करत आहोत आणि पुन्हा त्यांच्यावर 188 नुसार सुद्धा 188 नुसार पोलीस स्टेशनला नेऊन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करत आहोत। आणि जास्तीत जास्त लोकांना आम्ही समजून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहोत की तुम्ही विनाकारण घरून निघा नको, बाहेर फिरा नको, कारण ही बीमारी संसर्गित आहे, एकापासून दुसऱ्याला होत आहे याचा त्रास, त्यामुळे तुम्ही घरी राहा आणि जास्तीत जास्त सिक्युअर राहण्याचा प्रयत्न करा। लॉकडाउन को लेकर सुबह से ही पुलिस अपने मोर्चे पे डटी हुई है। हर चौराहे पे जिधर नजर जाती है वहीं पे पुलिस दिखाई देती है। पुलिस पूरे बंदोबस्त के साथ हर चौराहे की निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना नहीं तो अब बैरिकेटिंग भी किया गया है। उसके बावजूद लोग कोई न कोई कारण लेकर दिन भर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे उल्लंघन करने वाले लोगों के ऊपर में पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस बारे में गिट्टी खदान के पुलिस निरीक्षक सुनील गांगुर्डे इन्होंने इनविशन समक्ष जानकारी दी। जूना काटा नाका चौक पर है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस सदर की जो ट्रैफिक पुलिस है उनके द्वारा कई ऐसे लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर में कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक के 27 के आसपास कई वाहनों को चालान किया गया है और इनसे चालान भी काटे गए हैं। बार बार लोगों को ये हिदायत दी जा रही है उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे। जो मान रहे उनकी बात अलग है लेकिन जो नहीं मान रहे उन्हें उठक बैठक या और भी उन्हें सजा दिया जा रहा है, उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस पूरा इस तरह का ये गश्त है पुलिस के जो है तमाम लोग करते हुए शहर को नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस संबंध में हमारे साथ में सदर के थानेदार गांगुडे जी है, उनसे जानना चाहेंगे। गांगुडे साहब ये बताइए कि जिस तरह से आज ये काम यहाँ पे किया जा रहा है, ट्रैफिक का पूरा अच्छे से संभाला जा रहा है, खासतौर पर एक COVID-19 का कल गिट्टी खदान में एक मरीज भी मिला है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो मरीज है ये मरीज 16 तारीख को दिल्ली गया था, दिल्ली जयपुर और राजस्थान ये 3 जगह गया था। 3 जगह से 19 तारीख को वापस आया। ये एक गिट्टी खदान चौक में चिकन की शॉप है वहाँ काम करता है। कल 2 तारीख को उसको क्वारंटाइन किया गया था रवि भवन में। वहाँ क्वारंटाइन करने के बाद कल जब रिपोर्ट आया तो वो पॉजिटिव आया। मुझे ये कहना है अगर कोई बाहर जाता है किसी को तकलीफ है तो लोगों को ऐसे आदमी ने खुद अपनी यानी मेडिकल टेस्ट करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, खुद की जो है सिक्योरिटी खुद लेना चाहिए, जिसकी वजह से अपने घर वालों को और आजू बाजू समाज के लोगों को तकलीफ ना हो गए, उसको ये जो विषाणु है COVID-19 उसकी बाधा ना हो जाए। अभी आप जो देख रहे हैं उधर हम कॉरपोरेशन के अधिकारी डॉक्टर्स ACP मैडम DCP मैडम और CP साहब के आदेश से सब इसका जो सील कर रहे हैं, सील करने का नियोजन होगा, ऑर्डर निकलने वाली है, हम सब सील करेंगे शाम तक और किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। जो अंदर के लोग हैं उनको बाहर नहीं आने के, लेकिन उन्हें जो उनकी सुविधाएं है
जैसे किराना है, दूध है, मेडिकल है, भाजीपाला है, सब चीज़ें मिलने की व्यवस्था करेंगे। अभी आपने देखा है ये जूना काटोल नाका है, वहाँ पे हमने सवेरे से 9 से लेकर रात को 10 बजे तक नाकाबंदी लगाते हैं, हर गाड़ी चेक होती है, बिना वजह लोग घूमते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, हर रोज कार्रवाई की जाती है। जिसका सही रीज़न होगा, काम के लिए जा रहा है, मेडिकल के लिए जा रहा है, वो वेरीफाई किया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है। मैं जनता से ये गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि सब गवर्नमेंट जो बोलते हैं सोशल डिस्टेंस रखो, बिना वजह घर के बाहर मत निकालो और सहयोग करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आप तो बिटिकदान थाने के PI सुनील गांगटे जिन्होंने बात करते हुए कहा कि जूना काटोल नाका चौक हो या और भी वहाँ जहाँ लोग चलते हैं, उन्हें बार बार बताया जा रहा है जो नहीं मान रहे ऐसे वाहनों के ऊपर में कार्रवाई की जा रही है। कोरोना का एक पॉजिटिव कल बिटिकदान परिसर में मिला था, उसके ऊपर में जाँच चल रही है। ऐसे में लोग समझ नहीं पा रहे, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे, बिना वजह जो लोग बाहर निकल रहे उसके ऊपर में पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए अब नजर आ रही है। जूना काटोल नाका चौक से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मेरे NBCN न्यूज़ नागपुर।